नमस्कार, मैं हूं एसएस पांडे। सबकी नज़र में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं समाचार की ओर। पूरी तरह से असफल साबित हो रही है गुजरात के चुनाव के नतीजों में। हम लोगों को 16 सीटों में 3000 से कम वोट मिले, जिसके कारण हम सरकार बनाने में असफल हो पाए। मगर हमने कांटे की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को देने का काम किया। पिछले तकरीबन एक हफ्ते से, लगातार 7 दिनों से मैं जौनपुर जनपद की अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहा हूँ, जनता से जनसंपर्क और जनसंवाद के माध्यम से इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने जो भी वायदा किया था, विशेष रूप से जौनपुर में एक भी वायदा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। लॉ एंड ऑर्डर के हालात बद से बदतर है। आए दिन हत्याएं, बलात्कार, लूट और डकैती हो रही है और ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में काम कर रहा है। भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले भय, भ्रम, भ्रष्टाचार और भगदड़ में अकंठ डूबे हुए। बिजली का सवाल एक बड़ा सवाल था विधानसभा के चुनाव के समय। 24 घंटे बिजली देने का वायदा किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने यह कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो उस क्षेत्र में जहां बिजली चली जाएगी, उस क्षेत्र के एसडीओ और एक्सीएन को बर्खास्त किया जाएगा। लेकिन कहीं कोई कार्रवाई जनपद में होते हुए दिखाई नहीं देती। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि इस राज्य के अंदर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। ये केंद्र सरकार का भी वायदा था और ये राज्य सरकार का भी वायदा था। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा है। बार बार इसको केंद्र में और राज्य में कहा गया कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। लगभग 4 वर्ष केंद्र की सरकार को पूरा हो रहा है। 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 1,34,000 लोगों को ही केवल प्राप्त हुआ है रोजगार। तीसरी बात यह कही थी, किसानों के जो आय है या जो उनकी पैदावार है उसमें 50% और जोड़कर दिया जाएगा, लागत का 50% जोड़कर दिया जाएगा और स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने का काम किया जाएगा। डॉक्टर बीएल वर्मा साहब लगातार उसको लेकर आंदोलन चलाने का काम कर रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि हम इसको पूरा करने वाले नहीं। और शायद ये तमाम वायदे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसी का ये परिणाम है कि आज अभी 1 घंटे पहले राजस्थान के उपचुनाव संपन्न हुए हैं, उनके नतीजे आ चुके हैं और उन नतीजों में कांग्रेस पार्टी 2 लोकसभा क्षेत्रों में जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे उनको हरा कर अजमेर में और अलवर में कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। साथ ही साथ एक विधानसभा क्षेत्र में जहां की भारतीय जनता पार्टी का विधायक था और उपचुनाव था, वहां भी कांग्रेस पार्टी जीती है, यानी राजस्थान में 3-0 हुआ है। अगर आज राजस्थान है तो कल हिंदुस्तान होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसके साथ ही साथ बंगाल के माहौल को बहुत खराब करने की कोशिश की गई है। बंगाल में भी चुनाव हुआ है, वहां भी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 50,000 से ज्यादा वोटों से विधानसभा के चुनाव में जीती है। अभी 2 दिन पहले 30 जनवरी संपन्न हुआ है, 30 जनवरी की डेट निकली। और 30 जनवरी क्यों मशहूर है? इसलिए मशहूर है कि 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को शाम को 5:17 पर गोली मारी थी। गोडसे केवल व्यक्ति नहीं था, गोडसे एक विचार था जो एक विचारधारा से विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित होकर उसने गोली मारने का काम महात्मा गांधी को किया था। वो हमला गांधी पर हमला नहीं था, वो हमला गांधी के विचार पर हमला था। और उस मानसिकता के लोग आज देश की सत्ता में भी है और राज्य की सत्ता में भी है और रोज के जो उनके संस्कार है वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पूरी तरह से गोडसे के विचार के साथ, जिसकी चर्चा आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार करते हैं, ये देश और प्रदेश चलाने का काम हो रहा है। हम समझते हैं कि ये देश और विशेष रूप से जौनपुर अपनी कौमी यकजहती और भाईचारे के लिए जाना जाता है। महेश भट्ट साहब मेरे चुनाव में आए थे,
जो फिल्म बनाते हैं उन्होंने एक बात कही थी कि मैं जौनपुर की मिट्टी को आंखों से लगाकर और कलेजे से लगाकर मुंबई इसलिए ले जाना चाहता हूं कि जौनपुर जिला और जौनपुर शहर कौमी यकजहती की और हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है। इस कौमी यकजहती पर और कंपोजिट कल्चर पर अगर कोई हमला करता है तो संघ और भाजपा करती है। हम समझते हैं कि इस देश का नौजवान, विशेष रूप से इस प्रदेश का नौजवान, उसमें भी विशेष रूप से इस जनपद का नौजवान इस विचार के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा। इस तमाम विषयों को लेकर हम लोगों ने संकल्प लिया है, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की भी हम तैयारी कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं, हम तमाम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। 2 लोकसभा है, 9 विधानसभा है, तमाम लोगों को इकट्ठा करकर हम लोग बहुत जल्दी एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करेंगे। उसकी तिथि भी आने वाले समय में निश्चित की जाएगी। कोशिश होगी कि उसमें हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी और प्रदेश का नेतृत्व भी सम्मिलित हो, लेकिन अभी तिथि तय नहीं है। हालात का जायजा लेते हुए लोगों से चर्चा करने के पश्चात हम आपको मीडिया के माध्यम से या सूचना के माध्यम से आपको उस तिथि के बारे में जानकारी देंगे। जो भी साथी सवाल अगर कोई करना चाहते हैं या कोई सवाल